हिमाचल के कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के अंतर्गत कस्बा राजा की तालाब के नजदीक वत्राहन पंचायत के वांसा दामोड़ बाजार में बीते कल लगभग 10 से 12 मरे चमगादड़ मिलने से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कुछ चमगादड़ दो पलाख के वृक्षों पर मरे हुए लटके थे, जबकि कुछ जमीन पर मरे हुए पड़े मिले। कोरोना के डर के बीच में सुबह जैसे ही स्थानीय दुकानदारों ने मरे हुए चमगादड़ों को देखा तो उनमें दहशत फैल गई। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम फतेहपुर बलवान मंडोत्रा ने तत्काल नायब तहसीलदार फतेहपुर और वाइल्ड लाइफ विभाग को व वेनेटरी विभाग को व वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस को मौके पर भेजा। सभी विभागीय टीमों ने तत्काल हरकत में आकर मौके पर पहुंचकर स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। लोगों के अनुसार चमगादड़ों का यूं तो एक जगह पर मरा पाए जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इस समय अंगूर लुगाट अमरूद के पौधों पर फल तैयार हो रहा है, वहीं किसान सब्जी की पैदावार में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर चमगादड़ों में किसी प्रकार का कोई कोरोना का लक्षण मिलता है तो यह चिंता का विषय बन सकता है। लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि दो दिन पहले भारी बारिश के बीच में ओले गिरने से यह पलाख के वृक्ष पर मर गए हों। इसी बीच वेटनरी विभाग की टीम ने अन्य विभागीय टीमों की मौजूदगी में एहतियात के तौर पर मरे हुए चमगादड़ों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए पालमपुर और जालंधर स्थित लैब में भेज दिया है। वहीं एक कमेटी का गठन करके मरे हुए चमगादड़ों के अवशेषों को वीरान जगह में जला दिया गया है। इस मौके पर नायब तहसीलदार फतेहपुर, पशु चिकित्सक, वाइल्ड लाइफ विभाग के वन रक्षक सब इंस्पेक्टर सहित अन्य विभागीय टीमों के कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम फतेहपुर बलवान मंडोत्रा से जब इस विषय में बात की गई तो उनका कहना है कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर सरकार की गाइडलाइन का अनुसरण करें। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। कि बांसा के मोड़ में वो अपने बैट जो है वो मरे हुए हैं, उनके बारे में मुझे जैसे ही अवगत हुआ वैसे ही एसडी महोदय ने सभी डिपार्टमेंट की टीमें बुलाई हुई थी और अब एमओ अपने वेटनरी डॉक्टर साहब ने इनको वो ले लिए हैं, सैंपल ले लिए हैं और आगे भेज दिए हैं। तो सर जो अभी सैंपल लिए हैं तो जो बाकी के अवशेष बचे हैं इनका क्या होगा सर? इसको फॉरेस्ट वाले जो डिपार्टमेंट है इनको हिदायत दी गई है कि इसको जला दिया जाए। तीन एनिमल का इसका सैंपल लिया है और एक हम इसको पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं और दो बैट का जो है जो हमारी RDDL है जलंधर में वहाँ पे भेज रहे हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या वायरस है या बैक्टीरिया जो भी है क्या डेथ का कारण है उसके लिए भेज रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.